हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर सेशन, जिसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट अपने जो लास्ट ईयर DSSSB के ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे उनके हिंदी के सेशन पर बात करेंगे कि हिंदी के 20 क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं और उनको कैसे टिकल करना है। मैंने बहुत बार कहा है कि जो ऑनलाइन पैटर्न है स्टूडेंट DSSSB के एग्ज़ाम का, बिल्कुल सेम का सेम है। चाहे आप PRT, TGT, PGT की तैयारी करो, सबका जो ऑनलाइन पैटर्न है, या आप नॉन टीचिंग पोस्ट, सुपरिटेंडेंट हुआ, वार्डन हुआ, दास ग्रेड 2 हुआ, दास ग्रेड 4 हुआ, LDC 2, LDC 4, स्टेनोग्राफर, सबका सब जो पैटर्न है स्टूडेंट ऑनलाइन, वो सारों का सेम है। तो आप किसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा ये मानना है कि आपको ये सारे के सारे ऑनलाइन पेपर करने आने चाहिए, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत सी। तो मेरा यही मानना है कि जितने से जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी तैयारी उतनी बेहतर बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, लड़का केवल चिल्लाता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। अपने पास एग्जाम्पल है, लड़का केवल चिल्लाता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या होता है? ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण चार प्रकार की होती है। सबसे पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा है स्टूडेंट रीतिवाचक। अब लड़का केवल चिल्लाता है, इसमें अपने को बताना है लड़का केवल चिल्लाता है या इन चारों में से कौन सा क्रिया विशेषण है। जो थर्ड नंबर क्रिया विशेषण है ना, परिमाणवाचक, ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के परिमाण या निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के परिमाण कि वो कितना ज़्यादा है, कितना कम है, बहुत है, अधिक है, थोड़ा है, उसको बताते हैं, उसको बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इन सब के कोई ना कोई कीवर्ड्स हैं। यदि आप कीवर्ड्स को याद कर लेते हो या आप डेफिनेशन से पकड़ते हो, या तो आप डेफिनेशन से समझ सकते हो या इनके कुछ कीवर्ड्स हैं उनको पढ़ लो तो आप इन चारों में डिफरेंस मालूम कर सकते हो। अब परिमाणवाचक की डेफिनेशन क्या थी? ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के परिमाण या निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं उन्हें बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और जो केवल वर्ड है ना स्टूडेंट, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब ये देखिए स्टूडेंट, डेफिनेशन लिखी हुई है, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आपको किसी भी उदाहरण में बहुत, अधिक, अधिकाधिक, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफ़ी, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, एक एक करके, ऐसे शब्द मिलते हैं। ये कीवर्ड्स हैं, ये सारे के सारे अपने को परिमाणवाचक के बारे में बताते हैं। और अपना एग्जांपल था लड़का केवल चिल्लाता है, केवल, तो देखिए केवल वर्ड किसको बताता है? परिमाणवाचक शब्द को बताता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने एग्जाम्पल। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने टॉपिक करवाए हुए हैं, मैंने क्रिया विशेषण करवाया हुआ है, उसके अंदर आप जाके समझ सकते हो, मैंने पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए इत्यादि का संधि विच्छेद कैसे पता करते हैं? देखिए संधि बहुत बच्चों को टफ लगता है, तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी आपको यह या वह के पहले आधा अक्षर मिले या आधा वर्ण मिले, वहाँ 99.9% आपको यण संधि देखने को मिलेगी। कौन सी संधि देखने को मिलेगी? यण संधि। जब भी यह या वह के पहले आपको आधा वर्ण देखने को मिले वहाँ आपके यण संधि होगी। और यण संधि का निर्माण कैसे होता है स्टूडेंट? जब भी ई या छोटी ई के जस्ट बाद ए या आ हो तो वो या का निर्माण करता है। जैसा भी ई के बाद होगा, ई के जस्ट बाद यदि ए है तो वो या का निर्माण करेगा, ई के जस्ट बाद यदि आ का निर्माण है तो वो या का निर्माण करेगा।
कैसा भी ई के बाद यदि ए आता है तो वो यह बन जाएगा, ई के जस्ट बाद आ आता है तो वो या बन जाएगा। ये है यण संधि, और यण संधि की मैंने पहचान आपको बता दी। जब भी आपको यह या वह के पहले आधा अक्षर मिले वहाँ यण संधि होगी, और वहाँ से ही उसको तोड़ना स्टार्ट करें। अभी आपके पास, आपके मान लो आपके पास ये उदाहरण नहीं होते, इनके ऑप्शन नहीं होते, तो इसको कैसे तोड़ते? मैंने बताया था जब भी इसको तोड़ो जहाँ आपको यह मिल जाए ना, यह या वह उसके पहले आधा अक्षर हो, तो यह या वह को तोड़ दो। तो पहले मैंने ई को तोड़ा आधा तय, फिर उसके बाद या, फिर उसके बाद दी। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं यह को तोड़ूंगा या, तो या किससे बना हुआ है? या बना हुआ है तय आधा उसके बाद ई प्लस आ प्लस दी, तो ये ई इसको मिल जाएगी, तो क्या बन जाएगा? इति प्लस आदि, तो क्या बन जाएगा? इति प्लस आदि। तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि। जब भी यह या वह के पहले आपको आधा वर्ण मिल जाए तो वहाँ 99% कौन सी संधि होती है? वहाँ होती है स्टूडेंट यण संधि। एक एग्जांपल और है स्टूडेंट, पर्यावरण। पर्यावरण अगर इसको तोड़ूं तो स्टूडेंट देखिए, यह के पहले आधा रह है, इसको तोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? परि प्लस आवरण। क्या बन जाएगा? परि प्लस आवरण। अगर इसको मैं पूरा का पूरा तोड़ के सिखाऊं तो देखिए, पर्यावरण ये पै, फिर रह आधा, फिर या, फिर वर्ण। तो मैं यह से तोड़ूंगा, यह टूटेगा किस में? ई प्लस आ में, तो ई इसको मिल जाएगी आधे रह को, तो क्या बन जाएगा? परि, और इसको आ मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? आवरण। तो हो जाएगा पर्यावरण। तो उसी प्रकार यदि आपके पास ऑप्शन हैं तो आप इजीली से फाइंड कर सकते हो। अब ये यह टूटता है ना स्टूडेंट, या तो छोटी ई या बड़ी ई में टूटता है। अब ये छोटी ई तय, इति कभी ऐसा नहीं होता स्टूडेंट, बड़ी ई वाला, इति हमेशा छोटी ई वाला होता है, याद रखना। तो बड़ी ई वाला ऑप्शन तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, और आदि कभी ऐसा नहीं होता, आदि हमेशा ऐसा होता है, याद रखना। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सर्वनाम, देखिए जो सर्वनाम है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण है तो क्या होता है? जितना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब देखिए, स्त्रीलिंग पहचानने का, पुलिंग पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है शब्दों के आगे मेरा लगाइए। अगर शब्द शुद्ध होता है तो वो होगा स्टूडेंट पुलिंग, यदि मेरी लगाइए, यदि शब्द शुद्ध होता है तो वो क्या होगा? स्त्रीलिंग। अब मैं आपके इसके आगे लगाता हूँ मेरा या मेरी, तो बताइए मेरा छंद होगा या मेरी छंद होगा? मेरा छंद होगा, मेरी छंद तो अनावश्यक सा वर्ड लगता है, तो मेरा छंद, मेरा, तो ये पुलिंग हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए मेरा छवि या मेरी छवि, तो लगता है मेरी छवि, मेरी छवि, ये कौन हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। मेरा या मेरी लगा के देखिए, मेरा छिद्र या मेरी छिद्र? मेरा छिद्र, तो ये क्या होगा? पुलिंग। मेरा छोर या मेरी छोर? मेरा छोर, तो ये क्या होगा? पुलिंग हो गया। तो जो छवि वर्ड है मेरी छवि होता है, ना कि मेरा छवि होता है, तो मेरी छवि जो होगा स्त्रीलिंग। यदि आप इससे पहचानते हो तो अच्छी बात है, यदि इससे भी नहीं पहचानना तो आगे अच्छा या अच्छी लगा के देखो। जिनके आगे अच्छा लगेगा वो तो होंगे पुलिंग, और जिनके आगे अच्छी लगेगा वो होगा स्त्रीलिंग। तो अच्छा छंद ना कि अच्छी छंद होता है, अच्छा छंद, अच्छा छंद है तो पुलिंग, अच्छी या अच्छा, अच्छा छवि या अच्छी छवि? अच्छी छवि वाला, तो अच्छी छवि मतलब स्त्रीलिंग, अच्छा छिद्र, अच्छा छोर, ना कि अच्छी छोर होता है, तो ये हो गया हमारा कौन सा? छवि। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट, जो बच्चा हिंदी के पेड़ बैच से जुड़ना चाहता है तो हमें मैसेज कर सकता है। इसमें आपको क्या क्या करवाया जाएगा? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हिंदी का पेड़ बैच है, जो तैयारी कर रहा है डी ट्रिपल एस बी की, जो तैयारी कर रहा है केवीएस की, तो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हिंदी करवाई जाएगी, और ये बैच 20 जुलाई से स्टार्ट होगा। यदि आप इनरोल करना चाहते हो इस बैच में तो आपको 9521852000
इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा और बहुत अच्छा बैच है स्टूडेंट, पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं। अब आपको इसके अंदर मिलेगा क्या स्टूडेंट, यदि आप इनरोल करना चाहते हैं तो इस दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और ये बैच 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और फुल कोर्स की फ़ीस मात्र 600 रुपये है। 600 रुपये में आपको पूरा का पूरा कोर्स दिया जा रहा है। यदि कोई मेरे मैथ के पेड ग्रुप से जुड़ा हुआ है, कोई भी बच्चा जिसने मैथ का पेड ग्रुप लिया हुआ है, उसको ये फ़ीस 500 में मिलेगी। उसका बैच 500 का होगा। और जो मैथ पेड ग्रुप से नहीं है उसकी ये फुल फ़ीस कितनी होगी, 600। और इसमें क्या करवाएगा, जिस भी टॉपिक की वीडियोस आपको दी जाएंगी, जो भी टॉपिक आपको करवाया जाएगा, उसी टॉपिक के जस्ट बाद सन 2000 से लेकर 2020 तक अब तक जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑल इंडिया किसी भी एग्ज़ाम में, वो सारे के सारे आपसे करवाए जाएंगे। और मैं दावा करता हूँ, यदि आप पूरे के पूरे लेक्चर देख लेते हो, यदि आपने लास्ट ईयर के मेरे DSSB के लेक्चर देखे हैं मैथ के, हिंदी के, रीजनिंग के, तो हिंदी के 20 के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो टॉपिक के बाद आपको कितने सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। अब उसके बाद जो DSSB के एग्ज़ाम हुए हैं या KVS के एग्ज़ाम हुए हैं, DSSB के लगभग नॉन टीचिंग और टीचिंग पोस्ट के लिए लगभग 200 एग्ज़ाम हुए हैं, उनके सभी पेपरों का सोल्यूशन विद डीप अंडरस्टैंडिंग सोल्यूशन के साथ, और KVS के जितने अभी पेपर हुए हैं, चाहे वो PGT का हुआ हो, चाहे PRT का हुआ हो, चाहे PRT का हुआ हो, इसी प्रकार जैसे NVS का हुआ हो, PRT, TGT, उनके सभी के आपको हिंदी के सेशन करवाए जाएंगे। उसके बाद देखिए, मैंने आपको बहुत बार जिक्र किया है स्टूडेंट, कुछ बच्चे जो इन टॉपिकों को छोड़ के जाते हैं, प्रायवाची, मुहावरे, शब्द युगम, लोकोक्तियाँ, उसके बाद तत्सम, तद्भव, इन सब पर हम विशेष ध्यान देते हैं। मैंने बहुत बार जिक्र किया है, बच्चा एक सिलेक्टेड कैंडिडेट और अनसिलेक्टेड कैंडिडेट में बस इतना ही फ़र्क है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट इन सब को पढ़ के जाता है और यही हिंदी के आपके लगभग 7 या 6 नंबर इंक्रीज करते हैं टॉपिक, और आप कहते हो कि ऑन द स्पॉट इनको हैंडल करेंगे। इनको करवाने के लिए हर सप्ताह है इनका टेस्ट होगा, आपको पूरे के पूरे प्रायवाची, मुहावरे, शब्द युगम, लोकोक्तियाँ को पार्ट वाइज डिवाइड करके याद करवाया जाएगा, ताकि आपका जो ये पोर्शन है जिसको आप सबसे वीक पोर्शन मानते हो, सबसे टफ लेंथी पोर्शन मानते हो, उसको सबसे मतलब इजी वे से करवाया जाएगा। उसके बाद जितने भी टॉपिक हैं आपको ट्रिक एंड इजी वे, मतलब कीवर्ड्स के द्वारा समझाए जाएंगे। यदि मैंने अभी आपको कीवर्ड्स बताया था कि परिमाणवाच्य के कीवर्ड्स क्या हैं, उसके बाद यदि आप मेरे से वाक्य करोगे तो वाक्य के कीवर्ड बताए जाएंगे, पुलिंग कैसे फाइंड किया जाता है, संधि कैसे फाइंड की जाती है, समास को कैसे फाइंड किया जाता है, वचन कैसे बदले जाते हैं, सबको शॉर्ट ट्रिक से। यदि आपने मेरा वीडियो कारक का देखा हुआ है, यदि आप मेरा कारक का वीडियो देख लीजिए, आपको YouTube पर ऐसा कहीं वीडियो नहीं मिलेगा, उसमें मैंने इतने शॉर्ट कीवर्ड डाले हैं, यदि वो कीवर्ड आप याद कर लेते हो तो ज़िंदगी भर आप कारक को नहीं भूल पाओगे। उसी प्रकार मैंने काल को भी समझाया हुआ है, काल का वीडियो भी देख सकते हो, संज्ञा का वीडियो भी देख सकते हो, मैं तीनों के तीनों वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा स्टूडेंट। देखिए ये तीनों के तीनों वीडियो आपके लिए डेमो वीडियो होंगे, मैं किस प्रकार करवाऊंगा। उसके बाद है नेक्स्ट है संधि, समास, क्रिया, ये जो टॉपिक सबसे टफ मानते हैं स्टूडेंट, इनको सबसे ईजी और मैं कहता हूँ ट्रिकी वे से समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब यदि कोई बच्चा इस बैच में इनरोल होना चाहता है तो इनरोल हो जाए, 20 जुलाई से ये बैच स्टार्ट है, 600 फीस है। यदि कोई बच्चा मैथ के ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसकी फ़ीस 500 होगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट है सुडोल किस प्रकार का विशेषण है, पहला गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण बोधक या सार्वनामिक विशेषण। उत्तर है इसका गुणवाचक। अब गुणवाचक विशेषण क्यों है, मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में जिक्र किया, वो मैंने वीडियो बनाई है, ऐसे संज्ञा या मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, आकार, अवस्था, काल, स्थिति आदि का बोध करवाते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए जो सुडोल है ये अवस्था को बताता है किसी
संज्ञा या सर्वनाम की। तो इसके कुछ कीवर्ड्स हैं गुणवाचक विशेषण को फाइंड करने के, तो मैं आपको वो कीवर्ड्स बताता हूँ। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग बोधक, अवस्था बोधक, स्वाद बोधक, आकार बोधक, स्थान बोधक, उसके बाद स्थिति बोधक आदि का बोध करवाते हैं, उन्हें बोला जाता है स्टूडेंट कौन सा गुणवाचक विशेषण। अब आपसे पूछा था सुडोल किस प्रकार का विशेषण है, तो देखिए स्टूडेंट जो हमारा आकार बोधक है ना, देखिए कोई भी गोल आकार का हो, चकोर आकार का हो, सुडोल बदन मतलब गठिला बदन हो, तो देखिए सुडोल शब्द उन्होंने पूछा था, गोल चकोर सुडोल समान पीला सुंदर नुकीला लंबा चौड़ा चपटा ऊंचा नीचा छोटा बड़ा तिरछा पतला आदि ये शब्द गुणवाचक विशेषण को बताते हैं। उजाड़ चौरस भीतरी बाहरी ऊपरी सतही पूर्वी पछिया दाया बायां स्थानीय, इट मीन्स जो किसी की विशेषता को प्रकट करता है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें बोला जाता है गुणवाचक विशेषण। तो सिंपल सी डेफिनेशन से अपने फाइंड कर सकते हैं, तो सुडोल बदन, उस व्यक्ति का जो बदन है वो सुडोल जैसा है, तो सुडोल मतलब काफ़ी मजबूत, तो उस व्यक्ति की विशेषता क्या होगी, सुडोल बदन वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट है नीलिमा में किस प्रकार का प्रत्यय है, मैं इमा या माँ या नी। तो देखिए स्पष्ट ही पता चल रहा है कि नीलिमा में इमा प्रत्यय है, नीलिमा हुआ, गरिमा हुआ, मधुरिमा हुआ, महिमा हुआ, ये सारों के पीछे स्टूडेंट कौन सा प्रत्यय है, ये सारों के पीछे इमा प्रत्यय है, और जिन शब्दों के पीछे इमा प्रत्यय लगा होता है ना बच्चा, वो सारे के सारे कौन से होते हैं, भाववाचक संज्ञा होती हैं। जिनके पीछे इमा लगा हो, जिनके पीछे ता लगा हो, ता मतलब कौन सा ता, ता शब्द जिनके पीछे लगा हो, वो सारे के सारे शब्द कौन से होते हैं, वो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, जिनके पीछे तव लगा हो, जैसे ममतव सतीतव कृत्यतव, ये सारे के सारे वर्ड कौन से हैं स्टूडेंट, भाववाचक है। जिसके पीछे आहट लगा हो, कड़वाहट घबराहट, ये सारे के सारे शब्द कौन से हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो यहाँ से आपको भाववाचक संज्ञा का भी आपको पता चल रहा है, नीलिमा के पीछे इमा प्रत्यय छुपा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, मैं गाना गा चुका तब वह आया, किस प्रकार का वाक्य है। देखिए मैंने वाक्य के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बनाया हुआ, यदि आप पेड कोर्स करोगे तो उसमें मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बताए हुए हैं। मैं गाना गा चुका तब वह आया, जहाँ भी आपको जब तक तब त्यों ही जैसे ही ऐसे कुछ वर्ड्स मिले ना स्टूडेंट, वो किसको बताते हैं, मिश्र वाक्य को बताते हैं। और मिश्र वाक्य की मैंने डेफिनेशन से भी बताया हुआ है, लेकिन मैंने उसके अंदर आपको कम से कम 10-15 कीवर्ड्स बताए हुए हैं, एक तो संयुक्त वाक्य के और एक आपको मिश्र वाक्य के। जिस दिन आपने ये याद कर लिए तो आप मिश्र वाक्य को पूरा तरह पहचान जाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, पद कर्म की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सो रही है क्या सीता, बिल्कुल गलत। क्या सीता सो रही है, बिल्कुल सही। ये तो देखने से ही पता चल रहा है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए जिनके पैरों के नीचे रह लगा हो, जिनके ऊपर रह लगा हो, वो सारे के सारे तत्सम होते हैं। तो उसने बोला है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो ग्राहक भी तत्सम, ग्राम भी तत्सम, अब रह गया गौर और गुफा। तो देखिए मैं आपको अगर बताऊं ग्राहक किससे मिलकर बना है, ग्राहक का तत्सम क्या है, ग्राहक क्या है, ये सारे के सारे वर्ड देखिए। तो सबसे पहला वर्ड दे रखा है अपने को ग्राहक। ठीक है स्टूडेंट, ग्राहक एक कौन सा तत्सम वर्ड है जिसका तद्भव होता है गाहक। क्या होता है, गाहक। नेक्स्ट है गौर, एक तत्सम वर्ड है कौन सा स्टूडेंट, तत्सम वर्ड है जिसका तद्भव होता है गोरा। अगर यहाँ गोरा लिखा होता तो अपने टिक कर देते तद्भव को। ये सारे के सारे मैंने याद करवाए हुए। गुफा, देखिए जो गुफा वर्ड है स्टूडेंट ये है कौन सा, ये तद्भव वर्ड है। कौन सा, तद्भव। अगर इसका तत्सम निकालूं तो गुहा बनेगा, कौन सा, गुहा। और ग्राम इसके पीछे नीचे रह लगा हुआ है तो ये कौन सा तत्सम, तद्भव बनाऊंगा तो इसका गांव बन जाएगा, कौन सा, गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। दीपक ने गाय और भैंस मोल ली, दीपक ने गाय और भैंस मोल लिए।
देखिए गाय और भैंस दोनों स्त्रीलिंग है, तो लास्ट में स्त्रीलिंग आएगा, देखने से पता चला है, लिया लिए ली आएगा, मोल ली, तो पहला शब्द शुद्ध है, देखने से पता चल रहा है। निमन में अकर्मक धातु है, ये अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया मैंने बिल्कुल इजी से बताया हुआ है। बिगाड़ना एक सकर्मक क्रिया है जो बिगड़ना से बनी है, बिगड़ना से। अगर जहाँ भी आपको ह्रस्व मात्रा दिखले, ह्रस्व को यदि अपने दीर्घ में बदलते हैं तो ह्रस्व मात्रा दीर्घ में बदलकर बिगड़ना और गा लगा दूंगा तो ये अकर्मक बन जाएगी, सकर्मक बन जाएगी। और बिगड़ना क्या है? अकर्मक। फेरना एक सकर्मक क्रिया है जो फिरना से बनी है, किससे बनी है? फिरना से। फिरना अकर्मक है तो फेरना क्या हुआ? सकर्मक। उसने बोला था अकर्मक। खोलना एक सकर्मक है जो खुलना अकर्मक धातु से बनी है। दिखना एक अकर्मक है जो बनी है दिखाना से, दिखाना इसका सकर्मक किया होगा, तो दिखना क्या? अकर्मक क्रिया। मैं इसको शॉर्ट वे से आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अपने अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को फाइंड करते हैं विद इन एग्जाम्पल बना के। जिसका आंसर मिल जाए वो तो होती है स्टूडेंट कौन सी? सकर्मक क्रिया। एक एक तरह से एक शब्द बनाओ, एक उदाहरण बनाओ, यदि उसमें आंसर की अनुभूति हो रही, आंसर मिल रहा है तो सकर्मक, अदरवाइज अकर्मक। नेक्स्ट है घबराहट किस प्रकार की संज्ञा है? मैंने अभी आपको बताया था जिसके पीछे आहट शब्द लगता है वो सारी की सारी क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञाएं। और दूसरा मैंने भाववाचक संज्ञा की ट्रिक क्या बताई थी? ऐसे शब्द जिनको महसूस कर सकते हैं पकड़ नहीं सकते, जैसे धूप होगी, छाया होगी, ममता हो गया, प्रेमता हो गया, बड़प्पन हो गया, बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, और घबराहट, घबराहट महसूस कर सकते हैं गर्मी के कारण। अबज और अबद शब्द युगम का सही अर्थ है। देखिए ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला और द का मतलब होता है देने वाला, और अब मतलब अम्बु, अम्बु में जो जन्म लेता है, अम्बु मतलब पानी, जो पानी में जन्म लेता है, पानी में जन्म कौन लेता है? कमल। तो अबद अम्बु प्लस द, जो पानी को देता है, पानी को देने वाला कौन होता है? बादल, जिससे वारिद हो गया, वारी पानी होता है, और द मतलब देने वाला, पानी को देने वाला। जलज ज मतलब जन्म लेने वाला, कौन? जल में जन्म लेने वाला। अबज जलज ये सारे के सारे क्या हैं स्टूडेंट? ये सारे के सारे एक तरह से जिसके पीछे जय हो, जन्म लेने वाला हो, दय मतलब देने वाला हो। अगर आपको मैं मनोज का बताऊं, मनोज ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, मनो मतलब मन, जो मन में जन्म लेता है उसे बोलते हैं कामदेव, रतिपति। निमन में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रादुर्भाव, अपने इसी प्रकार से लिखते हैं स्टूडेंट प्रादुर्भाव। बहुत बच्चे इसको बड़ी ऊ की मात्रा कर देते हैं जो कि सरासर गलत है। नेक्स्ट है वह फूल जितना सुंदर था यह फूल उतना सुंदर है, वाक्य में जितना सुंदर था किस प्रकार का उपवाक्य है? अभी देखिए वह फूल जितना सुंदर था यह फूल भी उतना सुंदर है, जितना सुंदर पूछा है, कौन सा उपवाक्य है? देखिए उपवाक्य मिश्र वाक्य का पार्ट होते हैं, और मैं आपको बता दूं जहां भी विशेषण उपवाक्य हैं उसके कीवर्ड्स हैं, जहां ये कीवर्ड्स दिए होंगे वहां डेफिनेटली 99% आपको विशेषण उपवाक्य देखने को मिलेगा। वो कीवर्ड्स कौन से हैं? जो, जिसने, जितना, जिसको, जिसका, जिस पर, जिससे आदि अगर शब्द लगे हों, जो, जिसने, जिसका, जितने, जिसको, जिसका, जिस पर, जिससे, ये शब्द लगे होना स्टूडेंट वहाँ आपको विशेषण उपवाक्य लगा होगा। वह दिल ही क्या जिस दिल में दर्द ना हो, जिस दिल मतलब जिस लगा है ना, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, मतलब जो लगा है, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, जो, जिसने, जितना, जिसको, जिसका, जिस पर आदि लगा होगा वो सारे क्या होंगे? विशेषण उपवाक्य है। संग्रह में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम उपसर्ग का, यदि आपने विसर्ग संधि, व्यंजन संधि को अच्छे से समझोगे तो आपको पता है अनुस्वार होता है वो स्टूडेंट, यदि अनुस्वार के जस्ट बाद आपको कह खै मिले तो वो मैं में चेंज होता है, सम प्लस ग्रह,
तो इसमें सम उपसर्ग है। अनमोल शब्द में कौन सा समास है? तो स्टूडेंट आई थिंक मुझे ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। अनमोल शब्द में कौन सा समास है? देखिए बहुवरी समास तो वो होता है जिसका कोई तीसरा अर्थ निकले, और यदि आपने तत्पुरुष समास पढ़ा हुआ है तो तत्पुरुष समास में एक नया तत्पुरुष समास होता है जिन शब्दों के आगे स्टूडेंट जिन शब्दों के आगे आपको ए अन स न शब्द देखने को मिले ना स्टूडेंट, वो सारे के सारे नए तत्पुरुष होते हैं। जैसे अहित, अभुज, अनेक, अनादि, अन्याय, अनमोल, अमंगल, अलग, अटल, अमर, अनजाना, अटूट, अनजाहा, अनबल, अनरित, अनगदा, अनरित, अनहोनी। तो जिनके पीछे अन लगा हो ना, अ लगा हो, न लगा हो, ये सारे के सारे वर्ड नए तत्पुरुष को बताते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत है। तो इसका आंसर होगा तत्पुरुष। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? देखिए दंत तत्सम शब्द है। कौन सा? दंत तत्सम शब्द है। तो देखिए जो दंत है ना स्टूडेंट, वो तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है दांत। क्या होता है? दांत। दूध एक तद्भव है जिसका तत्सम पूछूं तो क्या होगा स्टूडेंट? वो होगा दुग्ध। क्या होगा? दुग्ध। अगर दही एक तद्भव वर्ड है जिसका दधि होगा, क्या होगा? दधि। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गोली से घायल सैनिक किस पदबंध का उदाहरण है? तो देखिए गोली से घायल सैनिक, तो जो सैनिक है ना स्टूडेंट, ये जातिवाचक संज्ञा है, तो ये सैनिक को क्या कर रहा है? सैनिक पर आश्रित है ये वाक्य। जो वाक्य संज्ञा पर आश्रित हों संज्ञा पदबंध कहलाते हैं, जो वाक्य सर्वनाम पर आश्रित हों उन्हें सर्वनाम पदबंध कहते हैं, जो क्रिया पर आश्रित हों क्रिया पदबंध कहते हैं। तो ये जो सैनिक पर डिपेंड है कौन सा? गोली से घायल। तो ये कौन सा हो गया? संज्ञा उपबंध। मैंने बहुत अच्छे वे से एग्जांपलों से सिखाया हुआ है स्टूडेंट इसको। डिबिया कैसा शब्द है? तो देखिए जो डिबिया शब्द है वो देशज वर्ड है, और इन शब्दों को भी मैंने ट्रिक से समझाया हुआ है, विदेशी, देशज, पुर्तगाली, अरबी, इनकी ट्रिक आपको यूट्यूब पर मेरे पब्लिकली वीडियो में मिल जाएगी, आप इजीली से देख सकते हैं उसको। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, उदय का विलोम शब्द है। उदय का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जगना, और अस्त का मतलब है बुझना। नेक्स्ट है, बिजली का पर्यायवाची है। तो देखिए बिजली का पर्यायवाची आपको तड़ित भी मिलेगा, दामिनी भी देखने को मिलेगा, क्षण प्रभा भी देखने को मिलेगा, रश्मि नहीं देखने को मिला। रश्मि का अर्थ होता है किरण। क्या होता है? किरण। ये किरण का पर्यायवाची है। कौन सा? रश्मि। अगर मैं बिजली के पर्यायवाची आपको गिनाना चाहूं तो पहला तड़ित आ जाएगा, तड़ित के बाद दामिनी आ जाएगा, सदामिनी आ जाएगा, क्षण प्रभा आ जाएगा, उसके बाद चपला आ जाएगा, चंचला आ जाएगा, विद्युत आ जाएगा। ये सारे के सारे बिजली के हैं। तो रश्मि अलग है। रश्मि का क्या होता है? किरण। किरण का मतलब अंशु, अंशु का मतलब रश्मि, रश्मि का अर्थ होता है मरीची, मरीची का अर्थ होता है प्रभा, प्रभा मयूख। ये सारे किसके हैं? किरण के पर्यायवाची। बहुत अच्छे तरीके से याद करवाया जाएगा आपको। मुक्त कामी चेतना जीवंतता का प्रमाण है। पंक्ति के रेखांकित शब्द का विलोम होगा। मुक्त का मतलब खुला हुआ, बद्ध का मतलब बंद, तो मुक्त का क्या होगा? बद्ध। गुरु किसका पर्यायवाची नहीं है? देखिए गुरु का पर्यायवाची होता है शिक्षक, श्रेष्ठ, उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट? उपाध्याय। ये सारे के सारे जो शब्द हैं ना स्टूडेंट, ये सारे के सारे इस गुरु के पर्यायवाची हैं। उपाध्याय हो गया, शिक्षक हो गया, श्रेष्ठ हो गया, भार हो गया। लेकिन जो गर्व है ना स्टूडेंट, वो अहंकार का पर्यायवाची है। अहंकार का गर्व, घमंड, मद, मान, दंभ, दर्प, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? अहंकार के पर्यायवाची हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। अधिमूल्यन का अर्थ है अवमूल्यन। ये तो सिंपल सा विलोम शब्द है। मैंने विलोम शब्दों का भी वीडियो बनाया हुआ है। कपड़ा का पर्यायवाची है। देखिए कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। कपड़े का यदि पर्यायवाची मैं आपको बताऊं, पहला पट, उसके बाद चीर, वसन, ठीक है, और उसके बाद कौन सा होता है याद कीजिए? पट, चीर, वसन, वस्त्र।
इसका सबसे अच्छा दुकूल जो कि सबसे डिफरेंट है, परिधान, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं, कपड़ा के, अपने को बताने कपड़ा का पर्यायवाची। तो मैंने अभी आपको लिखाया था ना, चीर, वसन, पट, दुकूल, परिधान, अंबर। तो जो पेय है पानी का, नीर भी पानी का, विटप मिस मतलब वृक्ष, निकृष्ट शब्द का विलोम है उत्कृष्ट, कौन सा उत्कृष्ट। नेक्स्ट है यौवन का विलोम शब्द, यौवन मतलब जवान, किशोर तो नहीं होगा, शैशव भी नहीं होगा। प्रौढ़ का मतलब बहुत लोग इसे प्रौढ़ करके आएंगे, देखिए प्रौढ़ का अर्थ होता है मिच्योर होना, न कि बूढ़ा होना, एक मध्य अवस्था को प्राप्त करना, उसको बोलते हैं प्रौढ़। और वार्धक्य का मतलब होता है बुढ़ापा, तो यौवन का अर्थ क्या होगा जवान, तो बुढ़ापे का अर्थ क्या होगा बूढ़ा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है अर्णव शब्द किसका पर्यायवाची है। देखिए अर्णव शब्द का अर्थ है बहुत गहरा, जो बहुत दूर तक हो, तो समुंदर बहुत गहरा होता है, समुंदर हुआ, रत्नाकर हुआ। और कौन से इसके पर्यायवाची होते हैं स्टूडेंट, आप याद कीजिए, जितना आप इन चीज़ों को याद करोगे ना, सिंधु हुआ, उद्दी हुआ, जो जो पानी में जन्म लेता है, मतलब पानी अपने को, पानी को धारण करता है, उद्दी पानी को धारण करने वाला, प्योदी पानी को धारण करने वाला समुंदर। पुष्प आपको पता है, अर्णव क्या है, जो बहुत गहरा दूर हो, अंतरिक्ष की जगह भी कई कई बार अपने अर्णव शब्द का यूज करते हैं। आशुंग, आशुंग का अर्थ होता है शीघ्रगामी, जो बहुत शीघ्र आए, बाण तीर ये सारे किसके हैं, जो बहुत तीर से चलते हैं, शर बाण विशिख शिलीमुख अनि सायक अशुंग। ठीक है स्टूडेंट, ये थे स्टूडेंट हमारे कुछ हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आई होप सो आपको सारे के सारे समझ आ चुके होंगे। यदि आप मेरे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 9521852000 से जुड़ सकते हैं स्टूडेंट, आपको पेड ग्रुप है, मात्र 600 रुपये में आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा स्टूडेंट। धन्यवाद।